Hello students, the question given here is, cyclones are natural disaster affecting life and property of people. Which of the following places in India are likely to be affected by the cyclones? Okay, so इनमें से ऑप्शंस में टेहरी, जैसलमेर, विशाखापट्टनम, भोपाल में कौन सा क्षेत्र है, कौन सा एरिया है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा साइक्लोन से? ठीक है, तो ये सबसे पहले जानते हैं कि साइक्लोन्स क्या होते हैं। वॉट आर साइक्लोन्स? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि साइक्लोन्स होते क्या है। सो साइक्लोन्स आर लार्ज एयर मासेस। साइक्लोन्स आर लार्ज स्केल एयर मासेस। ओके, क्या होते हैं साइक्लोन? ये हवा के बहुत बड़े एक बाउंडर होते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल एयर मासेस एंड दे आर रोटेटिंग इनवर्ड, रोटेटिंग इनवर्स, इनवर्ड रोटेशन होता है। ओके, इनवर्ड रोटेशन, जिससे कि क्या होता है, इस इनवर्ड रोटेशन कारण क्या होता है, सेंटर पर, सो ऑन सेंटर क्रिएटिंग अ लो प्रेशर जोन। सेंटर पर एक लो प्रेशर जोन बन जाता है। क्या बन जाता है सेंटर पर? लो प्रेशर जोन, मतलब लो प्रेशर का एक क्षेत्र बन जाता है सेंटर पर। ठीक है, अब इनकी जो डायरेक्शंस होती है, तो अगर हम बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन साइक्लोन्स की, तो वो भी जानना आवश्यक है, दैट द डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो इनकी डायरेक्शन होती है वह होती है काउंटर क्लॉकवाइज, और वहीं साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में बात करें अर्थ के जो सदर्न हेमिस्फीयर है अर्थ का, अगर हम उसमें बात करें, तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है क्लॉकवाइज। कैसी होती है डायरेक्शन? की डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकेशंस के बारे में, जो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, देखिए ये जो साइक्लोन्स होते हैं, ये ज्यादातर जिसको अफेक्ट करते हैं वो होती है पोर्ट एरियाज। ठीक है, तो हमें अपने पोर्ट ऑप्शंस को चेक करना है। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है नंबर ए पर, दैट इज टेहरी। तो टेहरी कहाँ पर है? टेहरी जो है ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? इट इज इन उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है ये पोर्ट के आसपास तो है नहीं, इट इज नॉट नियर द पोर्ट, समुद्र के आसपास का क्षेत्र नहीं है। उत्तराखंड एक ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर साइक्लोन्स का होना पॉसिबल कम है। ठीक है, सो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही नहीं होगा, लाइकली अफेक्टेड में नहीं आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वह है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो है जैसलमेर। जैसलमेर जो है ये हमारा कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है, और राजस्थान कौन सा एरिया है? ये लैंड एरिया है, मतलब ठीक है, राजस्थान क्या है? लैंड रीजन है, यहाँ पर भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा है विशाखापट्टनम, इसको होल्ड पर रखते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, जो है हमारा भोपाल। ठीक है, भोपाल, भोपाल कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में है। तो देखिए ये जितनी भी एरियाज हैं, ऑप्शन नंबर ए बी डी की जितनी भी एरियाज हैं, ये कहाँ की एरियाज हैं? दे आर ऑफ लैंड एरिया। ये कहाँ की एरिया है? लैंड की एरियाज है। ठीक है, लैंड लैंड एरियाज है। लेकिन अगर हम बात करें विशाखापट्टनम की यहाँ पर, इफ यू टॉक अबाउट विशाखापट्टनम, अगर हम विशाखापट्टनम की यहाँ पर बात करें, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम की बात करें, तो इसकी लोकेशन अगर हम आपको बताना चाहें विद द हेल्प ऑफ अ रफ मैप, ठीक है, नॉट ड्रॉन टू स्केल, अगर इस मैप के थ्रू देखें तो विशाखापट्टनम जो है यह पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहां पर पड़ता है? इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो लगभग यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर ये अगर इंडिया का नीचे का मैप है, ये इंडिया के नीचे का हिस्सा, यहाँ पर हमारा श्रीलंका है, तो ये जो आंध्र प्रदेश है उसकी लोकेशन यहाँ पर है। ठीक है, दैट इज नियर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के जस्ट पास इसकी लोकेशन पड़ती है। ठीक है, तो ये है आंध्र प्रदेश जहां पर यह पड़ता है विशाखापट्टनम। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है, इट इज लोकेटेड नियर द नियर बाई पोर्ट, ये पोर्ट के पास लोकेटेड है, इस वजह से यहाँ पर इजी होगा साइक्लोन्स का इफेक्ट। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट द विशाखापट्टनम इज अ रीजन विच इज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई द साइक्लोन। विशाखापट्टनम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है, ये हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।